साइंस है तो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ 2.5 लाख बच्चा सिलेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द बैकलॉग। आज मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का मन है तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूंगा भले ही मुझे केमिकल बॉन्डिंग का सी भी ना। तो अगर आप पूरे वीक का टाइम टेबल बनाते हैं टास्क बेस्ड टाइम टेबल वो स्ट्रेस नहीं बढ़ाएगा। अभी भी चैट बॉक्स में इतने सारे बच्चे हैं जो यही बात बोल रहे हैं कि मैम बैकलॉग्स का क्या करें। तो फाइनली इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि देखो सिलेबस तो चलता रहेगा बेटा है ना, एक चैप्टर दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर ये तो नहीं रुकेगा सिलेबस, पर तुम कैसे कोप करोगे इसके साथ है ना कि मैम कैसे क्या करें। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ सिलेक्शन रेशियो देखो 14 लाख अगर एप्लीकेंट्स हैं तो फर्स्ट स्टेज में सिर्फ 2.5 लाख बेटा सिलेक्ट होता है। तो व्हाई आर स्टूडेंट्स फेलिंग इन जेई एक्चुअली? अगर तुम मेहनत भी करते हो, तुम पढ़ाई भी करते हो, तुम 10 घंटे पढ़ाई करते हो फिर भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो व्हाट इज द रीजन कि भाई तुम जेई में फेल हो जाते हो? तो यार देखो सबसे पहला फॉरमोस्ट रीजन है इतने सारे बैकलॉग्स का बनना। ये एक बहुत ही बेटर फैक्ट है कि जैसे तुम बैकलॉग को क्लियर करने जाओगे ना तो एक नया बैकलॉग बन जाएगा। होता है सबके साथ ऐसा, ऐसा लो एक बैकलॉग को हमने अगर साफ किया तो मैम एक नया बैकलॉग बन गया। तो हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स इज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। तो पहला रीजन बेटा आप क्यों इतना जेई की जॉनी में लैग कर जाते हो, पीछे रह जाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द बैकलॉग्स। और बैकलॉग को सही से केटर करना इज अ डिफरेंट थिंग इन इटसेल्फ। दूसरी चीज होती है आपका स्टडी अप्रोच ही गलत है ना। बहुत सारे बच्चे किसी स्ट्रैटेजी के बिना पढ़ते हैं। आज मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का मन है तो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूंगा भले ही मुझे केमिकल बॉन्डिंग का सी भी ना आता है ना। तो आपका अप्रोच ही बहुत इनकंसिस्टेंट है और बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है टुवर्ड्स दिस सिलेक्शन वाली चीज, ठीक है। और गाइडेंस भी आपके पास प्रॉपर नहीं होती है। यू आर ऑलवेज कंफ्यूज अबाउट कि मैम हम कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें, हम कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करें। इसमें भी होता है ना दोस्त का टेलीग्राम पे नोट्स मिल गए तो उससे पढ़ने लग गए है ना। तुम तो फिर भी चलो वेदांतों के बैच में हो तो यू हैव अ गाइडेंस, बट दिस इज वन ऑफ द यू नो इम्पोर्टेंट रीजंस। थर्ड इज बेटा आपका टाइम मैनेजमेंट। तो ये स्पेशली इशू उन बच्चों को आता है जो रेगुलर स्कूल जाते हैं। तो ये जो आपका टाइम मैनेजमेंट का तरीका है दैट इज नॉट वेरी मच सॉलिड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पीयर प्रेशर। तो ये जो चीज होती है जिसमें तुम कंपैरिजन करने लगते हो, उसने इतना स्कोर किया, मैंने भी उतना पढ़ा था, मुझे कम मार्क्स आए, या स्ट्रेस एंजाइटी, इट लीड्स टू दैट। अब मैम इश्यूज तो हमें पता है ना, तो इश्यूज नहीं सोल्यूशन की बात करूं मैम, ये बताओ कि इससे कैसे बचना है। तो मेरा देखो सिंपल सी चीज है, आप डेली टाइम टेबल्स ना बनाकर आप वीकली टाइम टेबल बनाइए। मेक अ टाइम टेबल ऑफ द टास्क है ना। सो टास्क बेस्ड टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इस हफ्ते के अंदर ना अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉल्व करना है, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर लेट्स से कर देना है, अलोंग विद दैट मेरे को 100 सवाल इस हफ्ते सॉल्व करने ही करने हैं। तो मेक अ टास्क बेस्ड टाइम टेबल कि मैथ्स के अंदर मेरे को पीएमसी खत्म कर देना है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। यू हैव टू मेक अ वीकली टास्क टाइम टेबल। तो आज से ही शुरू हो जाओ, जो भी बैकलॉग है थोड़ा थोड़ा टाइम उसको देना वीकली टास्क के अंदर, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज मेरा जो भी प्लान बनाओगे वीकली उसके साथ कंसिस्टेंट रहना, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर यू गेट लिबर्टी है ना, काफी आपको स्पेस मिलेगा दैट यू कैन टेक ब्रेक्स ऑल्सो है ना। कभी ऐसा होता है आज का दिन वेस्ट हो गया तो कल का दिन कोप कर सकते हो, राइट। सो अगर आप पूरे वीक का टाइम टेबल बनाते हैं टास्क बेस्ड टाइम टेबल वो स्ट्रेस नहीं बढ़ाएगा आपके, यू विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट। एंड फाइनली ऐसा नहीं करना कि काम में एकदम घुसे रहना है ना कि बस सीधा 12 आवर्स स्ट्रेट ऑन द टेबल। यू हैव टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। शुरू शुरू में थोड़े थोड़े टास्क के लिए कुछ रिवॉर्ड रखो है ना। जैसे अगर मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के अगर 3 पेज भी पढ़े ना तो आई एम गोइंग टू डू दिस समथिंग दैट यू लाइक, या आई विल ईट दिस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने मंकी ब्रेन को भी आप यू नो लाइक रिजुविनेटर रखो ताकि आपको एनर्जी मिले। तो प्लीज गाइस छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना एक हफ्ते के लिए। स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक चैप्टर, ठीक है, जो सबसे आसान चैप्टर लगता है आपको स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम डाउट्स के लिए कैसे करें। तो बेटा देखो अगर वेदांतों के जो प्रो स्टूडेंट होते हो है ना, जो बच्चे प्रो बैच में है, तो उनको डाउट एक्सपर्ट मिलते हैं या ऐप मिलता है जिसपे आप पूछ सकते हैं, तो यू कैन चेक दैट आउट आल्सो, ठीक है। मतलब वेदांत का एक डाउट ऐप है अलग से जो 24 घंटे चलता है, तो जब भी तुम्हें डाउट आए तो तुम उस पे जाके पूछ सकते हो क्वेश्चन।